श्रेष्ठ किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही झटपट बनने वाली साउथ इंडियन रेसिपी शेयर कर रहे हैं आप लोग के साथ, तो वीडियो को पूरी देखें और इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए आज मिलके बनाते हैं मैंगो फ्राइड राइस। ये बहुत ही टेस्टी होता है, मेरे घर में सबका फेवरेट है। ये मैंगो राइस बनाने के लिए हम यहाँ पर एक आम लिए हैं, इसको हम अच्छी तरह से धो के लिए हैं। अब इसको हम छील के इसके छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे और अगर आप चाहें तो इसको ग्रेटर की सहायता से ग्रेट करके भी ले सकते हैं। और चावल हमने बना के रख दिया है ठंडा होने के लिए, तो इस तरह से हम छोटे छोटे टुकड़ों में आम को कट कर लेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं आम को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके ले लिया है और यहाँ गैस पर हमने एक कढ़ाई रख दिया है। इस कढ़ाई में 2-3 चम्मच हम तेल डालेंगे। तेल की मात्रा आप अपने हिसाब से बढ़ा या घटा सकते हैं, बहुत ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं पड़ती है इसमें। और 1/4 चम्मच यहाँ पर हम जीरा ऐड करेंगे इसमें। अब इसमें हम 1 चम्मच सरसों डालेंगे और यहाँ पर हम धुली उड़द की दाल 1 चम्मच लिए हैं, तो ये दाल भी हम इसमें डाल देंगे। 1 चम्मच चने की दाल डालेंगे और साबुत लाल मिर्च हम लिए हैं, 5-6 मिर्च हम यहाँ पर लिए हैं। तो मिर्च की मात्रा आप अपने हिसाब से बढ़ा या घटा सकते हैं। और एक कुछ करी पत्ते हैं तो इसको भी हम अभी डाल देंगे और इसको 2 मिनट इस तरह से चलाते हुए हम अच्छी तरह से भून लेंगे। अब इसमें कटे हुए आम हम डाल देंगे। गैस का फ्लेम हम लो टू मीडियम रखेंगे और इसको हम चलाते हुए भूनेंगे। तो चलाना हमें बंद नहीं करना है, नहीं तो ये आम नीचे से जल जाएगा। अब इसमें हम भुनी हुई मूँगफली डाल दिए हैं, तो ये मूँगफली हम भून के रखे थे और अगर आप चाहें तो इसके साथ में मूँगफली भून सकते हैं। और अब इसमें हम नमक ऐड कर देंगे, तो नमक अपने स्वाद के अनुसार डालें आप। नमक डालने के बाद में इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 2-3 मिनट इसको हम और भुनेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं आम नरम हो गया है, तो इसमें हम चावल डाल देंगे और चावल डालने के बाद में इसको हम बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो ये बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब इसमें हम बारीक कटी हुई हरी धनिया डालेंगे ऊपर से। मुझे मैंगो फ्राइड राइस बनाना था तो मैं यहाँ पर ताज़ा चावल बनाई हूँ। कई बार क्या होता है कि खाना खाने के बाद में चावल बच जाता है, तो उन बचे चावल का आप बहुत बढ़िया उपयोग कर सकते हैं इस तरह से मैंगो फ्राइड राइस बनाएं। इसको बनाना बहुत ही आसान है, आप देख सकते हैं झटपट ये मैंगो राइस बन के तैयार हो जाता है। बच्चों का पसंदीदा है मैंगो राइस, तो एक बार ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद है आपको और आपके घर में सबको बहुत पसंद आएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किए हो तो चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छी लगे तो खूब सारा शेयर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। इससे क्या होगा कि मेरे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के।